मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप माई वॉइस इज ऑडिबल. वी वर कंटिन्यूइंग विद ओके लेसन 6 ऑफ हिस्ट्री. ओके एंड टूडे वी विल ऑलमोस्ट वाइंड अप द चैप्टर न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स. दिस इज द टॉपिक दैट वी विल स्टार्ट टूडे. ओके टूडे इज फ्राइडे. न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स. ओके लेसन 6 हिस्ट्री एंड टुमारो यू हैव योर टेस्ट ज्योग्राफी लेसन 5 याद है ना. यस मैम. ओके यस मैम. ठीक है ना. यस मैम. ओके सो लेट अस स्टार्ट विद द लेसन. सी In the previous class, we studied about the important cities, that is Hampi, okay? And we also studied about Surat and Masulipatnam or Machilipatnam. Now see, as far as this Hampi was concerned, we saw that, okay? This Hampi was located in the Krishna Tungabhadra Basin and it was the nucleus of the Vijayanagar Empire. Us samay jo hai 1336 mein, okay, the Vijayanagar Empire, okay, the king of the Vijayanagar Empire was Harihara Rai. Okay, Harihara Rai, he was the king of the okay Vijayanagar Empire in 1336. Vijayanagar Empire, okay, in 1336. Okay, and what we see that during this period, okay, three types of traders they were there. ओके तीन प्रकार के जो है ट्रेडर्स थे उस समय. एक तो पोर्टुगीज थे, पुर्तगाली थे, दूसरे थे आपके चेटीज. ओके अब ये चेटीज कहाँ से आए थे? चेटीज जो थे ये श्रीलंका से आए थे. ओके द पोर्टुगीज केम फ्रॉम पोर्टुगल. ओके थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स वेर देयर, वी नो दिस वेर देयर. ओके and we see Portuguese traders. These traders are coming from Portugal. Then you have the Chetis. Chetis are from Sri Lanka. Okay, and the last one are the Moors. Okay, Moors jo hai Muslim merchants ko kaha jata tha. Theek hai na. So these were the different types of traders, they were there. And we see that as far as the Virupaksha temple was concerned, we also studied about the Virupaksha temple, okay, which is dedicated to Lord Shiva. And we see that the temple, उसमें जो है ये जो विरूपक्ष मंदिर जो है ये जो है इसके गतिविधियां जो है वो सक्रिय हो जाती थी रामनवमी के आते ही. और रामनवमी में जो है जो देवदासियां हुआ करती थी, टेंपल डांसर्स जो होती थी, ओके जैसे कि मैंने आपको बताया था, उनका पूरा जीवन जो है भगवान को समर्पित रहता था. वो शादी नहीं करती थी, ठीक है ना. ओके और वो अपने देव को, अपने इष्ट को जो है मनाने के लिए जो है नृत्य पेश करती थी, गाना गाती थी, ठीक है ना. सो वी सी दैट द रामनवमी फेस्टिवल इट वॉज वेरी मच इम्पोर्टेंट एज फार एज हम्पी वॉज कंसर्न. एंड हम्पी फेल इन टू रुइंस व्हेन द डेक्कनी सुल्तान्स, ओके द रूलर्स ऑफ गोलकोंडा कौन थे. ओके हम्पी फेल इन टू रुइंस. ओके फेल इन टू रुइंस By 1565 में, ड्यू टू देकनी सुल्तान ऑफ गोलकोंडा. और ये कौन थे, ये डेकनी सुल्तान कौन थे? डेकनी सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, ठीक है ना. तो इनके वजह से जो है हम्पी का जो है अस्तित्व जो है वो कम हो जाता है. और इसके बाद हमने दूसरे शहर के बारे में पढ़ा, सूरत के बारे में पढ़ा. ओके और सूरत में जिस प्रकार की जो व्यापार हो रहा था, हमने देखा कि सूरत में जो है एक हुंडी जो है इशू किया जाता था. अब ये हुंडी क्या होता था? हुंडी वॉज अ रिटन नोट एज फार एज सूरत वॉज कंसर्न.
Okay, so this is related to Hampi. Now, as far as Surat was concerned, we saw that a written note, okay, a written statement, ठीक है ना, from a borrower to a lender, ठीक है ना, to a lender was issued, ठीक है, issued by the traders, जो traders हुआ करते थे, ठीक है ना, दूर देशों में व्यापार करने के लिए जो है इसको जो है वो इशू किया करते थे, और इसे जो है हुंडी कहा जाता था। अब जैसे ही आप ये हुंडी दिखाते थे दूसरे देश में जाके, आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता था, आपको जो सामान चाहिए होता था वो मिल जाता था, और इसमें एक स्पेसिफिक डेट हुआ करता था, उसी डेट के पहले आपको दिखाना होता था। ओके, जैसे कि आज के डेट में हम देखते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट जो होता है, ठीक है ना, DD, उसके 6 महीने टाइमिंग्स रहते हैं, 6 महीने के बाद जो है वो लैप्स कर जाता है। ओके, so it was similar to that, and we saw that these people traded out there, and Surat was also an important port town. Okay, the ships, they used to come from the Hormuz Strait, and the Gulf of Hormuz was also there. Okay, via Gulf of Hormuz they used to travel, and it was also the gateway to Mecca. After that, we studied about Masulipatnam. Masulipatnam is a city in Andhra Pradesh, and we studied that as far as this Masulipatnam was concerned. Okay, we saw that the port at Masulipatnam, it was built by the Dutch. अब ये डच कहाँ से आते हैं? डच जो है ये आते हैं, ठीक है, हॉलैंड से, नीदरलैंड से, ठीक है ना, और ये लोग गुड्स अपने देश से लेके आते थे और लेके आके हमारे देश में ये बेचते थे। लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया कि जो सी रूट डिस्कवर हुआ था, पुर्तगालियों ने जो सी रूट टू इंडिया डिस्कवर किया, उसके बाद कॉम्पिटिशन स्टिफ हो गया, जितने भी यूरोपियन पावर्स थे वो हमारे देश में आने का प्रयास करने लगे, हमारे देश में ट्रेड करने लगे, एज सच जो है कॉम्पिटिशन जो है वो स्टिफ हो गया, और ये जो कुतुबशाही रूलर्स थे गोलकोंडा के, ओके, द कुतुबशाही रूलर्स जो थे, ओके, द कुतुबशाही रूलर्स दे इम्पोज्ड ह्यूज टैक्सेस, दे स्टार्टेड इम्पोजिंग ह्यूज टैक्सेस ऑन द ट्रेड ऑफ गुड्स, और ये इन्होंने क्यों किया था? क्योंकि ये मार्केट में जो है मोनोपोली स्थापित करना चाहते थे, दे वांटेड टू एस्टैब्लिश मोनोपोली इन द मार्केट। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? ओके, जब कोई एक व्यापारी मार्केट के जो ठीक है मार्केट के ऊपर अपना जो है पूरा अधिपत्य स्थापित कर देता है, ठीक है ना, तो उसको हम मोनोपोली कहते हैं। देयर इज ओनली वन सिंगल सेलर, अदर देन दैट सेलर यू कैन नॉट बाय गुड्स फ्रॉम एनीवन। So the Kutubshahi rulers, they wanted to establish monopoly in trade, and that is why they imposed huge taxes. Okay, so what we see that in Masulipatnam, okay, the Kutubshahi rulers imposed huge taxes, okay, so that they can establish monopoly in trade, ठीक है ना, एकल अधिकार वो लोग स्थापित करना चाहते थे, इसीलिए जो है वो टैक्स जो है वो बढ़ा देते हैं। अब जो डच है ये परेशान हो जाते हैं, और इनको जो है अपना केंद्र जो है मसूलीपट्टनम से हटा के जो है इनको अपने लिए नए केंद्र ढूंढने पड़ते हैं, ओके, और इनके नए केंद्र होते हैं कलकत्ता, बॉम्बे एंड चेन्नई, ओके, दीज आर द न्यू प्लेसेस वेयर दे शिफ्ट देयर अटेंशन। सो व्हाट वी सी द डच, ओके, नाउ दे शिफ्टेड देयर अटेंशन, नाउ स्टार्टेड, ओके, डूइंग ट्रेड, ठीक है ना, ये वर्ल्ड सिटीज नहीं थे, ठीक है ना, ये जो डूइंग ट्रेड इन चेन्नई, बॉम्बे
एंड कैलकटा। जब आप क्लास 8 में जाएंगे, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा कि ये चेन्नई, बॉम्बे और ये कैलकटा, ये क्या थे, ये प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, ठीक है ना। जब अंग्रेज हमारे देश में व्यापार के लिए आए तो उन्होंने जो है इन सी चेन्नई, बॉम्बे एंड कैलकटा, व्हाट दे मेड दिस, चेन्नई, बॉम्बे एंड कैलकटा, दे वर द प्रेसिडेंसी टाउन्स। प्रेसिडेंसी टाउन्स का मतलब क्या होता है, एक नए प्रकार का जो है शहर का निर्माण हुआ, ओके, और इसका मतलब ये था प्रशासनिक केंद्र, ओके। दिस प्रेसिडेंसी टाउन्स, हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत जब करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि पहले जो है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हुआ करते थे, ठीक है ना, जैसे कि तांजोर एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन था, ठीक उसी प्रकार जो है अंग्रेज जो है ये प्रेसिडेंसी टाउन्स, इन तीनों चेन्नई, बॉम्बे और कैलकटा को प्रेसिडेंसी टाउन्स बनाते हैं और यहाँ से वो लोग ऑपरेट करना शुरू करते हैं। अब जब ये प्रेसिडेंसी टाउन्स जो है उभर के आते हैं फ्रंट पे, तो ये जो बाकी जो टाउन्स थे, प्रीवियस जो टाउन्स थे, सूरत, ओके, हम्पी एंड मसूलीपट्टनम, इनका अस्तित्व जो है ये खत्म हो जाता है। बाय द कमिंग ऑफ द 18th century वी सी, ओके, द टाउन्स ऑफ हम्पी, सूरत एंड मसूलीपट्टनम, दे स्टार्ट लूजिंग देयर सिग्निफिकेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब लोग कोई भी जो है व्यापार करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है, ठीक है ना, क्यों, बिकॉज द ब्रिटिश, British because of their supreme naval power, the British because of them, of their supreme naval power, have been able to drive the other Europeans, Dutch, French or British, ये तीनों मिलके East India Company की स्थापना करते हैं, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने वाले ये तीनों हैं, तीनों मिलके जो है स्थापना करते हैं इस कंपनी का, और महारानी से अधिकार लेके जो है चार्टर साइन करके जो है 16वीं सदी में ये हमारे देश में आते हैं व्यापार करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हम क्या देखते हैं कि जो ब्रिटिश हैं इनके जो जहाज हैं, ओके, इनके जहाज जो हैं वहाँ उसमें जो है वेपन्स जो होते हैं वो एडवांस होते हैं, और ये लोग जो है बाकी जो अपने प्रतिद्वंदी हैं, फ्रेंच हो गए, डच हो गए, इनको जो है समुद्र में ही जो है, ओके, अपने जहाजों की सहायता से ये उनके जो है उनको हरा देते हैं। देर इज फियर्स कॉम्पिटिशन फॉर ट्रेड इन इंडिया, ओके, बिकॉज द गुड्स वेयर बींग सोल्ड हेयर वेरी चीप, और इन गुड्स के जो है यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थे और इनकी ज्यादा कीमत मिल रही थी, तो हर कोई जो है, हर कोई सुपर पावर जो है वो चाह रहा था कि मोनोपोली वो स्थापित कर ले, एकल अधिकार जो है मार्केट पे स्थापित कर ले, और इसमें ये जो कंपटीशन हुआ, ओके, जो यूरोपियन पावर्स के बीच जो है ये फियर्स कंपटीशन हुआ, इसमें जो ब्रिटिश थे बिकॉज ऑफ सुप्रीम नेवल पावर दे वर एबल टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज, ओके, मोनोपोली ट्रेडर्स इन आवर कंट्री। ये लोग क्या करते थे, जहाज लदी हुई सामान से जो है, जहाज जो यहाँ से निकलती थी यूरोप जाने के लिए, अपनी नेवल पावर का प्रयोग करके उनको डुबो देते थे, ओके, उन पे बम्बार्डिंग करके और अपने तरीके इस्तेमाल करके जो है वो उसको डुबो देते थे, और खाली इन्हीं के सामान जो है आगे बढ़ते थे और यूरोप में बिकते थे। सो वी सी विद पैसेज ऑफ टाइम द ब्रिटिश हु एंटर्ड आवर कंट्री एज ट्रेडर्स दे बिकेम द फाइनल मास्टर्स ऑफ आवर कंट्री। नाउ सी न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स, ओके, लेट अस स्टार्ट विद दिस। इन द 16th एंड 17th सेंचुरीज, ओके, आई हैव कवर्ड दिस पार्ट बेटा, ये वाला पार्ट मैं कवर की हूँ, द कुतुबशाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा इम्पोस्ट, एनीबडी Tell me, have I read out this part? Ananya? No, ma'am. नहीं हुआ ना? ठीक है ना? No, ma'am. चलो यहाँ से reading शुरू करते हैं. देखो, the Kutubshahi rulers, have a look. The Kutubshahi rulers of Golconda imposed royal monopolies on the sale of textiles, spices and other items to prevent the trade passing completely into the hands of the various East India companies. Okay? As I have been telling you. Fierce competition among various trading groups, okay, the Golconda nobles, Persian merchants, Telugu Komati, Chattis, and European traders made the city populous and prosperous. As the Mughals began to extend their power to Golconda, their representatives, okay, देखो, the governor Mir Jumla, who was also a merchant, began to play off the Dutch and the English against each other. तो देखो,
मीर जुमला क्या करते हैं, मीर जुमला मुगलों के तरफ से जो है ये ट्रेडिंग एरिया में आते हैं और एक दूसरे के खिलाफ कर देते हैं, डच को ब्रिटिश के खिलाफ कर देते हैं और उसका एडवांटेज लेने का प्रयास करते हैं और उसका एडवांटेज जो है मुगल शासक औरंगजेब को मिलता है। देखो इन 1686-1687 मुगल एम्परर औरंगजेब ही एनेक्स्ड गोलकोंडा। तो औरंगजेब जो है गोलकोंडा ये जो कुतुबशाही रूलर्स को हराते हैं और गोलकोंडा पे अपना शासन स्थापित करते हैं। दिस कॉज द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स। ओके, इट वॉज अ पार्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इट वॉज नॉट इनफ ओके इफ अ पोर्ट हैड कनेक्शंस विद द प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ द हिंटरलैंड। ओके, व्हाट डू यू न्यू बाय द हिंटरलैंड? हिंटरलैंड से हम क्या समझते हैं बताओ? व्हाट आर द हिंटरलैंड? जय, व्हाट डू यू मीन बाय हिंटरलैंड? टेल मी द एरियाज अराउंड द पोर्ट। हाँ, बंदरगाह के आसपास के क्षेत्र को हम हिंटरलैंड कहते हैं। हाँ, यस मैम। ओके, ठीक है। And what are garrison towns? Abhilasha, garrison town? Ma'am, a fortified settlement with soldiers. A fortified settlement with soldiers. Alauddin Khilji ने कौन सा garrison town बनाया था? किस place को garrison? Ma'am, Siri. और Muhammad bin Tughlaq ने क्या किया था? What did Muhammad bin Tughlaq do? Garrison town नहीं बनाए थे। उन्होंने दिल्ली इकोना एक सिटी था उसको खाली करवा दिया था गैरिसन टाउन के लिए। और मैम अपना कैपिटल ट्रांसफर कर दिए थे। कहां से कहां तक उन्होंने अपनी कैपिटल कहां से कहां कर दी थी? मंगोल इन्वेशन जब हुआ था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल को कहां से कहां शिफ्ट कर दिया था? दिल्ली से कहां शिफ्ट किया था? मैम दौलताबाद इन द साउथ, इजंट इट? यस मैम, यस मैम। ही शिफ्टेड कैपिटल टू दौलताबाद इन द साउथ। ओके, अनुज, हैव यू जॉइंड? अनुज कुमार राय, वीडियो ऑन करो अपना। अनुज कुमार राय, वीडियो ऑन करो अपना बेटा। अनुज, कैन आई सी यू? Is he there, children? Can you see him? Or has he left? Mom left. हाँ, he will leave ना? Mom left कर दिया। Yes, ma'am. हाँ, वो leave करेंगे ना? Listen, children. Let us come back to the lesson. So, what is it? See children, it was a part of the new policy of English East India Company that it was not enough a port had connections with the production centers of hinterland. The new company trade centers, it was felt, should combine political, administrative and commercial roles. As the company traders moved to Bombay, Calcutta, present day Kolkata and Madras, present day Chennai, Masulipatnam lost both its merchants and prosperity and declined in the course of 18th century. Okay, being today nothing more than a dilapidated little town. Okay, तो हम देख रहे हैं कि एक समय में जो ये तीनों शहर जो गतिविधियों से इनमें जो है हमेशा गतिविधियां होते रहती थी, हमेशा ऐश्वर्य से भरे रहते थे। ओके, जैसे नए शहर उभर के आते हैं जो पुराने शहर होते हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ओके, नाउ सी न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स, लेट अस स्टार्ट विद दिस सेक्शन। In the 16th and 17th centuries, European countries were searching for spices and textiles, which had become popular both in Europe and West Asia. The English, Dutch and French formed East India companies in order to expand their commercial activities in the East. As I told you, जैसे कि मैंने आपको बताया, the East India Company, ये आपके class 8 में भी यही continue होगा, signed a charter. Signed a charter and
टू ट्रेड विद द ईस्ट, ट्रेड विद द ईस्ट, ओके, एंड एंटर्ड, ओके, इन 1600 एज ट्रेडर्स. तो महारानी से जो है ये चार्टर साइन करवाते हैं लोग, ओके, उनकी अनुमति लेते हैं और 16वीं सदी में जो है हमारे देश में जो है एज ट्रेडर्स ये लोग जो है मूव करते हैं. और इनका उद्देश्य क्या होता है, देयर मोटिव इज टू एक्सपैंड कमर्शियल एक्टिविटीज इन द ईस्ट, ओके, द मोटिव इज टू एक्सपैंड कमर्शियल एक्टिविटीज, टू एक्सपैंड, ओके, कमर्शियल एक्टिविटीज इन द ईस्ट, एक्टिविटीज इन द ईस्ट. और किस प्रकार की कंपनी थी ये साक्षी, व्हाट काइंड ऑफ कंपनी वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी, यस्टरडे आई हैव टोल्ड, किस प्रकार की कंपनी थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी, किस प्रकार की कंपनी थी, बताओ जल्दी, क्यों नहीं आप लोग बताते हो जी, कल ही तो बताई थी मैं, मर्केंटाइल. मर्केंटाइल का मतलब क्या होता है, मर्केंटाइल कंपनी का उद्देश्य क्या होता है, मैम अपना प्रॉफिट, यस, टू अर्न प्रॉफिट, ओके, यथाशक्ति लाभ कमाना, ओके, और ये लोग लाभ कैसे कमाते थे, ओके, द कंपनी, व्हाट द कंपनी डिड, ओके, द कंपनी अर्नड ह्यूज प्रॉफिट, हाउ अर्नड ह्यूज प्रॉफिट, ओके, बाय सेल, बाय बाइंग चीप, ठीक है ना, सस्ते में वो लोग सामान खरीदते थे यहाँ से, ओके, बाइंग चीप एंड सेलिंग व्हाट, सेलिंग हाई, ठीक है ना, ओके, तो ये लोग क्या करते थे, ठीक है ना, सस्ते दामों में जो है हमारे देश से जो है कच्चा सामान ये लोग खरीद के ले जाते थे, रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन, सिल्क, ओके, एंड स्पाइसेस, एंड स्पाइसेस, एंड व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू सेल दिस इन यूरोप एट हायर प्राइसेस, क्यों, क्योंकि वहां पे इनके डिमांड ज्यादा था, ओके, हमारे देश में एक विशेष प्रकार का जो है डाई तैयार होता था, इंडिगो, नील, ठीक है ना, नील हमारे देश में तैयार होता था, और यूरोप में जो, ओके, डाई जो तैयार होता था उसका नाम था ओड, हमारे देश में जो है ये नील की खेती होती थी, और यूरोप में जिसकी खेती होती थी, ओके, कैरिबियन आइलैंड्स में, उसका नाम था ओड. अब ओड से जो कपड़े रंगे जाते थे तो उनमें जो है पीलापन दिखाई देता था, ओके, लेकिन जब इंडिगो, नील में जब कपड़ों को डाई किया जाता था तो उनमें एक अलग सी चमक हुआ करती थी. तो हम देखेंगे कि विद पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है ना, कॉटन, सिल्क और स्पाइसेस तो हमारे देश से जा ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इंडिगो की भी खेती होने लगती है, और आगे चल के आप पढ़ेंगे क्लास 8 में कि इंडिगो की खेती करवाने के लिए अंग्रेज बहुत, ओके, गलत तरीके अपनाने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के लोग जो है विद्रोह करते हैं, जिसको हम नील विद्रोह के रूप में भी जानते हैं, ब्लू रेबेलियन के रूप में भी जानते हैं, ओके. नाउ सी चिल्ड्रन, The English, Dutch and French formed East India companies in order to expand their commercial activities in the East. Initially, great Indian traders like, okay, Mullah Abdul Ghafur and Virji Bora. Okay, Mullah Abdul Ghafur and Virji Bora, both they are Muslims. Okay, theek hai na? Who owned a large number of ships competed with them. अब इनके पास बहुत सारी जहाजें थी, लेकिन इनको जो है अंग्रेजों के साथ कम्पीट करना पड़ा. क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के पास जो है इनसे ज्यादा मजबूत जहाजें थी, जैसे कि मैं बताते आ रही हूँ, नेवल पावर उनका सुप्रीम था, ओके, एंड इट वाज बिकॉज ऑफ द सुप्रीम नेवल पावर दे वर एबल टू ड्राइव अवे द, ओके, अदर यूरोपियन पावर्स. सी, अल्टीमेटली However, the European companies used their naval power to gain control of the sea trade and forced Indian traders to work as their agents. Okay, so what we see, the supreme naval power of the British. Okay, power of the British forced
ओके अदर्स टू बिकम देयर एजेंट्स, ठीक है ना, उनके एजेंट्स के रूप में जो है काम करने के लिए जो है बाकी को मजबूर हो जाना पड़ा, ठीक है ना, जैसे कि हमारे भारतीय जो व्यापारी थे, ओके यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ इंडियन ट्रेडर्स, और कौन है ये इंडियन ट्रेडर्स, अनुज हु आर द इंडियन ट्रेडर्स, इंडियन ट्रेडर्स कौन है जिनको जिनको एजेंट बनना पड़ता है अंग्रेजों का, जल्दी बताओ, अभी अभी बताई हूँ, दीक्षा आर यू देयर, दीक्षा चौबे शी इज नॉट देयर, जय हु आर द इंडियन ट्रेडर्स बेटा, जय बोलो भाई, आज लग रहा है जैसे सब सो रहे हैं, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन द क्लास, ओनली 5 मिनट्स द क्लास वॉज डिलेड, एनीबडी एल्स, विनीशा व्हाट विल बी द आंसर, हु आर द इंडियन ट्रेडर्स हु आर फोर्स टू बिकम एजेंट्स ऑफ द ब्रिटिश, मैम नेटिव अमेरिकन्स, ना बेटा इंडियन ट्रेडर्स मैं पूछ रही हूँ, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, खान अब्दुल गफूर यहीं पे तो है, देखो मुल्ला अब्दुल गफूर एंड वीरजी बोरा, ओके ये हमारे भारतीय व्यापारी हैं जिनको मजबूरन जो है अंग्रेजों का एजेंट्स बनना पड़ता है, ठीक है ना, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी बेटा, सी Ultimately, the English emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent. The spot in demand for goods like textiles led to great expansion of the crafts of spinning. Okay, spinning मतलब yarn तैयार करना. Okay, making the yarn and weaving means okay preparing the cloth, bleaching. Okay, then dyeing, coloring the cloth. Page number 86 बेटा. etc. with more and more people taking them up, Indian textile designs became increasingly refined. ठीक है ना, हमारे देश के जो designs थे, ठीक है ना, हमारे देश के जो designs थे, okay, बहुत सारे हमारे देश के designs थे, देखो, okay, एक हो गया आपका कलमकारी, कलमकारी जो है, ये design जो है, okay, हमारे देश के वीवर्स ये तैयार करते थे, ठीक है ना, और इसका बहुत ज्यादा डिमांड था कलमकारी डिजाइन का जो है, okay, अभी भी इसकी जो कलमकारी डिजाइन की जो साड़ियां मिलती हैं, ठीक है ना, बहुत ही कॉस्टली मिलती हैं, तो इनके हेवी डिमांड्स थे वहां पे यूरोप में, ओके और इसमें कलमकारी डिजाइन में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इंडिगो का प्रयोग होता है इसको डाई करने के लिए जो है, नील का प्रयोग होता है, और नील जब इस्तेमाल होता है किसी कपड़े को डाई करने के लिए तो उसकी कलर जो है ब्राइट हो जाती है, दिखने में बहुत सुंदर लगती है, तो देखो इंडियन टेक्सटाइल डिजाइंस बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड, हाउएवर दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द डिक्लाइन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन, They now began to work on a system of advances. अब पहले जो स्वतंत्र होके जो है हमारे देश के व्यापारी जो है वो काम करते थे, ठीक है ना, जो बुनकर थे स्वतंत्र होके जो है वो कपड़े तैयार करते थे और लोग उनके कपड़े खरीदते थे, अब क्या हो गया, अब अंग्रेज जो है उनको एडवांस देने लगे, ओके और एडवांस देके उनसे कहते थे, आप अपने जो चैप्टर है मार्केट सराउंडर्स के बाद वाला जो चैप्टर आप पढ़ेंगे अ शॉर्ट इन द मार्केट, उसमें आप क्या देखेंगे, आप ट्रेडर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ट्रेडर्स ऑफ ट्रेवनकोर एंड रेस्ट ऑफ द, तो उसमें आप क्या देखेंगे कि जो मर्चेंट्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, ये गांव-गांव घूमते हैं, बड़े बड़े कंपनियों से जो है ये लोग ऑर्डर लेते हैं, और जो गांव देहात में जो बुनकर हैं लोग, वीवर्स हैं लोग, उनको क्या करते हैं ये लोग धागे देते हैं, और उनके पास कपड़े जो तैयार रहते हैं उसके डिजाइन जो है बड़े कंपनियों से ये लोग फाइनल करवा लेते हैं, ओके और किस डिजाइन का कितना कपड़ा उन्हें चाहिए ये भी डिसाइड कर लेते हैं, ऑर्डर ले लेते हैं, उसके बाद ये लोग बुनकर के पास जाएंगे, वीवर्स के पास जाएंगे और वीवर्स को जो है डिजाइन दिखा देंगे, कहेंगे हमें इस डिजाइन के 100 कपड़े चाहिए, इस डिजाइन के 50 चाहिए, और जो वीवर्स हैं उनको ये लोग क्या करेंगे, उनको ये लोग धागे दे देंगे,
ठीक है ना, यार्न जो होता है, दे विल प्रोवाइड देम द यार्न एंड दे विल ऑल्सो प्रोवाइड देम विद एडवांसेस. सो दिस सिस्टम वॉज देयर, सी सिस्टम ऑफ एडवांसेस. और इस सिस्टम का जो है फायदा उन्होंने, अंग्रेजों ने बहुत हद तक इसका जो है फायदा उठाया. ओके, एडवांस वॉज गिवन, एडवांस वॉज गिवन टू द वीवर. ओके, अलोंग विद डिजाइंस, ठीक है ना, अलोंग विथ व्हाट, अलोंग विथ यार्न. हाँ, अलोंग विथ यार्न, यार्न मतलब धागा. ओके, एंड डिजाइंस. नाउ व्हाट हैपेंड, ओके, द वीवर वाज आस्क्ड, द वीवर वाज आस्क्ड टू व्हाट, प्रिपेयर क्लोथ, आस्क्ड टू प्रिपेयर क्लोथ as per the demand, as per the demand, ठीक है ना. Okay, now you can take the example of the teachers, you can take the example of the teachers lost their independence. Okay, जो बुनकर थे, ठीक है ना, वो अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं, lost their independence. अब उनको जो है एक अनुबंध में रहना पड़ता है. ओके, और उनको जो है इन लोगों के शर्तों के अनुसार जो है कपड़े तैयार करने पड़ते हैं. दे कैन नॉट गो अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस पीपल. नाउ दे आर सपोज टू, ओके, प्रिपेयर क्लोथ एज पर देयर डिमांड. सी, हाउएवर दिस पीरियड आल्सो सॉ द डिक्लाइन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन. दे नाउ बिगन टू वर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ एडवांसेस व्हिच मेंट दे हैड टू वीव क्लोथ व्हिच वाज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड टू यूरोपियन एजेंट्स. Weavers no longer had the liberty of selling their own cloth or weaving their, okay, own patterns. They had to produce the design supplied to them by the company agents. जो design उनको दिया जाता था, आप class 8 की book अगर उठाएंगे ना, class 8 में जो है दो किताबें हैं history में, एक part 1 है, एक part 2 है. जब part 2 की जो किताब आप उठाएंगे तो उसमें एक note दिया हुआ है, उसमें एक जो है receipt दिया गया है सामान खरीदने का, बेचने का. तो उसमें आप देखेंगे cotton के अलग अलग जो varieties हैं उसका उसमें mention है, ठीक है ना. There is mention of different varieties of cotton cloth being purchased and sold to Europe. उसमें कोसाज है, उसमें चिंत है, उसमें बंदना है, ओके, कलमकारी है. All these types of different types of cotton clothes are being mentioned in that receipt. Okay? They had to produce the designs supplied to them by company agents. 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta and Madras, which are nodal cities today. With what kind of towns were these? The British declared Calcutta, Bombay and Madras as, अभी बताए थे, इनका एक स्पेशल नाम था, क्या था? हाँ, दिस इज वेरी बैड. हाँ, प्रेसिडेंसी, यस, प्रेसिडेंसी टाउन्स. ओके, कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास इमर्ज्ड एज प्रेसिडेंसी टाउन्स, ठीक है ना. ये प्रशासनिक केंद्र तो थे ही. ओके, साथ ही साथ जो है यहाँ पे अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर रखी थी. ओके, उनके जो फैक्ट्री होते थे वो इन प्रेसिडेंसी टाउन्स में हुआ करते थे, और फैक्ट्री के आसपास जो है ऑफिशियल्स का रहने का जो है, ओके, अरेंजमेंट था. सो व्हाट वी सी, ओके, नॉर्दर्न सिटीज टुडे, क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस एज मर्चेंट्स एंड आर्टिजंस वर मूव्ड इनटू द ब्लैक टाउन्स एस्टैब्लिश्ड बाय द यूरोपियन कंपनीज विद इन, ओके, दिस न्यू सिटीज. तो शहर को जो है दो अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया. ओके, नाउ द सपोजिंग इफ दिस इज अ टाउन, नाउ दिस टाउन वॉज, ओके, इट वॉज कन्वर्टेड इंटू टू. वन वॉज द ब्लैक टाउन्स. ओके, अब ब्लैक टाउन्स में कौन रह रहा है? ब्लैक टाउन्स में रह रहे हैं आर्टिजंस. ओके, आर्टिजंस, वीवर्स, ठीक है ना, पीपल, एंड पीपल बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, ठीक है ना. तो हम मिडिल क्लास पीपल भी लिख सकते हैं, मध्यम वर्गीय लोग, ठीक है ना. ओके, नहीं दिख रहा है. अच्छा, मैं अभी घुमा दे रही हूँ, अभी दिखाई देगा. आप दिख रहे हैं? यस मैम.
okay yes ma'am so what we see is okay the middle class people madhyam vargiya log jo hain in shaharon mein jo hain black towns mein rehne lage ab white towns mein kaun reh raha hai who is living in the white towns mein rehne lage angrez okay अब अंग्रेजों के साथ कौन रह रहा था इन व्हाइट टाउन्स में ओके द ब्रिटिश आई विल राइट इट ओके सी व्हाइट टाउन्स हु लिव्ड इन द व्हाइट टाउन्स द ब्रिटिश ओके अलोंग विद द ब्रिटिश अलोंग विद द वेल्दियर अलोंग विद द वेल्दियर सिटीजन्स ठीक है ना Wealthier Indians resided in these cities. ठीक है ना cities such as Madras. Okay, तो Madras जो है एक white town था देखो see. Ma'am, less than 1 minute we have. No, it's up to me. The timer will not come. Let's see if it comes. Okay, now see. So what we see, they were moved into black towns established by European companies within these new cities. The blacks or the native traders and craft persons were confined here, while the white rulers, okay, occupied the superior residences of Fort, okay, Saint George in Madras. तो ये जो है Fort Saint George जो है ये मद्रास में इसकी स्थापना की गई और Fort William, okay, Fort Saint William it was established in Calcutta. The story of crafts and commerce in 18th century will be taken up next year. Okay, next year में जो है, that is in class 8, you will be studying about it. Okay, ये black towns और white towns के बारे में आप जो है अगले साल class 8 की book में पढ़ेंगे. अब यहाँ पे Vasco da Gama और Christopher Columbus के बारे में दिया गया है elsewhere section में. Let us go through it. Okay, Jayas, have you joined? Jayas Mishra, are you there? Has he joined, children? No. Aniket Shroff. No, ma'am. Aniket. Yes, ma'am. Reading karo. Jaldi se reading karo iski. Ma'am, book nahi hai. Kiske paas book hai? Haath uthao. Jiske paas hai, wahi reading karo. Who is having the book? Abhishek Rai, Khushi Gupta. Ah, Khushi Gupta, read. खुशी गुप्ता रीडिंग करो बेटा इन द 15th सेंचुरी नेटवर्क नेटवर्क अनस्टेबल है आपका आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा अनन्या कैन यू डू द रीडिंग Ananya? Yes, ma'am. Do the reading, ma'am. Do the reading. In the 15th century, European sailors undertook unexpected explorations of sea routes. They were driven by the desire to find ways of reaching the Indian subcontinent and obtaining spices. Vasco da Gama, a Portuguese sailor, sailed down the African coast, went around the Cape of Good Hope, and crossed over to the Indian Ocean. His first journey took more than a year. He reached Calicut in 1498 and returned to Lisbon, the capital of Portugal. The following year, he lost 2 of his 4 ships and of the 170 men at the start of the journey. Only 54 survived. In the survived. Of the survived. Obvious hazards, the routes that were opened up proved to be extremely profitable, and he was followed by the English, Dutch, and French sailors. Thank the you. Search for Thank you. Would stop. Abhishek Rai. Thank you, ma'am. Abhishek Rai. Yes, ma'am. Reading karo beta. The search for sea routes. The search for sea routes to India had another expected fallout. Unexpected fallout. On the assumption that the earth was round, Christopher Columbus, an Italian, decided to sail west
towards across the Atlantic Ocean to find a route to India. He landed in the West Indies, which got their names because of confusion. In 1492, he was followed by sailors and conquerors from Spain and Portugal, who occupied large parts of Central and South America, often destroying earlier settlements in the area. Thank you. Okay. ठीक है ना, तो देखो दिस चैप्टर इज कंप्लीट. वी सी दैट टू सेलर्स दे सेट सेल टू डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया, बट इट इज फाइनली वास्को डी गामा. ओके, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में ही निकल गए थे, बट हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो वेस्टर्न रूट लेते हैं, ठीक है ना, पश्चिमी रास्ता लेते हैं, जिसके वजह से जो है पश्चिमी रास्ता लेने के वजह से जो है वो सी रूट नहीं डिस्कवर कर पाते हैं, और वो जो डिस्कवर करते हैं वो है कैरेबियन आइलैंड्स, ठीक है ना, दैट इज अमेरिका. ओके, एंड इट वाज वास्को डी गामा हु टुक द ईस्टर्न रूट, ही डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया. सो दिस इज ऑल दैट इज देयर इन द चैप्टर. टुमारो आई विल स्टार्ट विद अ फ्रेश चैप्टर, लेसन 7 ऑफ हिस्ट्री. And you have your test also. Don't think that ma'am will not take the test and ma'am will not take the class. I will take both. I will take your test also and I will take your class also. Okay? Theek hai na? So I'm ending the meeting here. I have another class to take. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, students. Thank you.